आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। झरिया थाना अंतर्गत झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग सिंह नगर भूली क्वार्टर के समीप मंगलवार को ट्रांसपोर्टिंग हाईवे के चपेट में आने से 18 वर्षीय स्कूटी सवार सागर निषाद की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर झरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। झरिया थाना क्षेत्र के परसा टांडा मलहा बस्ती के रहने वाला बताया जाता है। सागर की मौत के बाद उसके निवास में मातम पसर गया। बताया जाता है कि सागर अपनी स्कूटी संख्या JH10BX4179 नंबर की स्कूटी से केंदुआ की ओर जा रहा था। वहीं BNR साइडिंग से कोयला खाली कर आ रहे हाईवे संख्या JH09M7318 से सीधी टक्कर हो गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे चालक फरार हो गया। इस संबंध में झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने बताया कि स्कूटी सवार सीधे आकर हाईवे में घुस गया, जिसमें उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। देखें, एक अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कूटी जो है हाईवे में आके घुस गई है। पहले भी हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए हैं और हर माध्यम से हम लोग यही आग्रह करते हैं आजकल के बच्चों के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को कम से कम जब तक वो एडल्ट्स ना हो जाए तब तक उसके हाथ में इस तरह की दोपहिया वाहन नहीं दें, ताकि इस तरह के घटना पर अंकुश लगाया जाए। आपको याद होगा पिछले बार एक घटना घटी थी, उसमें हम लोगों ने जिसमें जिला प्रशासन के लोग थे, स्थानीय विधायिका महोदया थी और भी बहुत सारे लोग, हम लोग कुछ नॉर्म्स बनाए थे कि इस नॉर्म्स को फॉलोअप करके ही गाड़ियाँ चलेगी, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट बहुत हद तक थम गया, रुक गया। लेकिन अब मान लिया कोई अपोजिट डायरेक्शन से कोई खड़ी गाड़ी के अंदर घुस जाए, तो इसमें जो है पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, और जब तक उनका सही उम्र नहीं हो जाए, सही एज नहीं हो जाए, तब तक दोपहिया वाहन उनको ना दें। क्योंकि अभी जो लाइसेंस का भी प्रक्रिया है सरकार ने टफ इसीलिए किया है कि जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाए, जब तक समझ उस तरह से डेवलप नहीं हो जाए, तब तक लाइसेंस निर्गत ना हो। उसके बाद भी लगातार हाईवे क्षेत्र में सर अनस्पीड चलती है, तो मतलब लिमिट नहीं। आप जो पहला बार हम लोग जो उसमें बनाए थे जो रोस्टर और नॉर्म्स जो बनाए थे, उसमें अभी भी बीच बीच में अभियान चलाते हैं जो 40 या 50 के रेशियो से ऊपर जाता है उस गाड़ी का बजाते हैं हम लोग पेपर जब्त करते हैं, उसके मालिक को बुलाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो उसकी एंट्री करते हैं, जरूरत पड़ता है तो DTO को लिखते हैं, वो सब कार्रवाई हम बीच बीच में कर रहे हैं।